हाँ जी अब हम बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्सरसाइज़ वन के बाद जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी रॉन्ग हुई हुई है वो मैं आगे, आगे आपको बताती हूँ कैसे अगर हम प्रीवियस ग्रुप की एक्सरसाइज को रखते हैं जहन में तो हमने सबसे पहले नंबर रॉड्स फिज़िकल फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराई थी कि नंबर रॉड ऑफ वन रॉड ऑफ टू रॉड ऑफ थ्री रॉड ऑफ फोर उसके बाद हमने उसकी हॉवी रंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव हमने वो इंट्रोड्यूस कराया था ठीक है राइटिंग पैटर्न इसी तरह सिमिलर अब हम अब हमने चलना है गोल्डन बीड मटेरियल में डेसिमल सिस्टम में ठीक है तो इसके अंदर आप लोग देखें ये यहाँ पे बॉक्स के अंदर वुडन बॉक्स के अंदर यू कैन सी देयर इज़ वन बीट वन बीट इज कॉल्ड वन यूनिट इसी के साथ आपको एक लंबी सी स्ट्रिंग नज़र आ रही होगी इस बीट के अंदर टेन यूनिट्स इकट्ठे हुए हुए हैं व्हेन टेन यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर इट विल मेक वन बार ऑफ टेन ठीक है देन आगे आप देखिए एक स्क्वायर सा पड़ा हुआ आपको बीट्स का नजर आ रहा होगा वन टेन बार्स ऑफ टेन आर ज्वाइंट टूगेदर जब हम दस की दस बार्स इकट्ठी रखते हैं इट विल मेक वन हंड्रेड और जब हम ये क्यूब की जो शेप है अगर हम टेन टाइम्स हंड्रेड रखेंगे तो ऑबियसली ये थाउजेंड बनाएगा एंड इट इज कॉल्ड वन क्यूब ऑफ थाउजेंड वन यूनिट वन बार ऑफ टेन वन स्क्वायर ऑफ हंड्रेड एंड वन क्यूब ऑफ थाउजेंड ये हमने बच्चों को फिजिकल फॉर्म में थ्री पीरियड लेसन के साथ बताना है दिस इज वन यूनिट फिर वार ऑफ टेन के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन्थ टेन तक बच्चों को ये फोकस कराना है दैट वन र ज्वाइंट टूगेदर इट विल मेक वन बार ऑफ टेन इसी तरह हमने फिर वन टू थ्री रख के और बच्चों को स्क्वायर बताना है और क्यूब बताना है ठीक है इसके साथ अब जेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर टू होनी चाहिए थी हाउ वी राइड वन यूनिट वन बार ऑफ टेन वन स्क्वायर ऑफ हंड्रेड एंड वन क्यूब ऑफ थाउजेंड मतलब ये नंबर कार्ड्स आते हैं हमारे पास उनके ऊपर हम इसको लिखते हैं प्रिंट uh, मतलब उनको रखते हैं हम इस स्टाइल में है कि वन यूनिट वन बार ऑफ टैन वन स्क्वेर ऑफ हंड्रेड एंड वन क्यूब ऑफ थाउजेंड जो है वो क्लियर होता है लेकिन यहाँ पे वो एक्सरसाइज हमारे पास मिसिंग होगी है एक्सरसाइज नंबर टू थी जो मैं भी आपको बता रही हूँ हाउ वी राइट वन यूनिट वन बार ऑफ टेन वन स्क्र ऑफ़ हंड्रेड एंड वन क्यूब ऑफ थाउजेंड ये एक्सरसाइज नंबर थ्री अब हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज नंबर थ्री के लिए आपके पास नाइन यूनिट बीड्स होने चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सरसाइज टू है आपने कंफ्यूज नहीं होना एक्सरसाइज नंबर टू ऊपर वाली जो एक्सरसाइज नंबर वन है उसको रिटर्न कार्ड्स में प्रेजेंटेशन का है ठीक है ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐसा हुआ है अब नाउ अब आपने इसको एक्सरसाइज नंबर थ्री के तौर पे लेना है दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर थ्री पासिंग नाइन गेम नाइन यूनिट्स नाइन वार ऑफ टेंाइन स्क्वायर ऑफ हंडर्ड्स वन क्यूब ऑफ थाउजेंड एंड अ ग्रीन टेबल मैट ठीक है इसमें आपने बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराना है देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्ट्रिप्स ही पड़ी हुई है और उसके अंदर बीड्स को काउंट करने की कोशिश की जा रही है ये टीचर काउंट कर रही है इट मींस कि हमने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टिल नाइन दीज आर यूनिट्स बट व्हेन वी विल ऐड वन मोर विद इट इट विल मेक वन बार ऑफ टेन देखिए नाइन यूनिट्स हमारे पास लूज़ हैं खुले पड़े हुए हैं बीड जो हैं हमारे पास गोल्डन uh, बीट तो वो तब तक वो यूनिट्स हैं लेकिन जैसे ही हमने उनको टेन को हमने इकट्ठा किया उसके साथ हमने टेन यूनिट्स इकट्ठे किए इट विल मेक वन बार ऑफ टेन ठीक है मैं इस पे चैनल पे एक वीडियो भी है मैं आपको वो भी सेंड करूँगी आप लोग वो भी देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है पासिंग नाइन गेम इसका मतलब ये है कि नाइन यूनिट्स तक तो वो नाइन यूनिट्स हैं व्हेन वी विल ऐड वन मोर इट विल मेक वन बार ऑफ टेन अच्छा वन बार ऑफ टेन टू बार ऑफ टें थ्री बार ऑफ टेन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जब तक हमारे पास नाइन बार ऑफ टेंस हैं वो नाइन बार ऑफ टेंस ही हैं लेकिन जैसे ही हम उसके साथ वन मोर ऐड करते हैं इट विल मेक वन स्क्वायर ऑफ हंड्रेड अच्छा यहाँ तक भी क्लियर हो गया वन स्क्वायर ऑफ हंड्रेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टिल नाइन दीज आर नाइन स्क्वायर्स ऑफ हंड्रेड जैसे ही हमने उसके अंदर वन और ऐड किया इट विल मेक वन क्यूब ऑफ थाउजेंड ये थोड़ी सी ट्रिकी गेम है मैं, अगर आपको ये समझ आ गई एक्सरसाइज तो आपको आगे चीज़ें समझने में एडिशन से बहुत आसानी होगी और इस लेक्चर को सुनने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो चैनल पे पासिंग नाइन गेम के नाम से माउंटसरी काउंसिल के चैनल पे है उसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब बाय चांस यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज एक मिस हो गई है ये एक्सरसाइज नंबर थ्री थी पासिंग नाइन गेम अब एक्सरसाइज नंबर फोर पर हम आ गए हैं ग्रुप काउंटिंग गेम ग्रुप काउंटिंग गेम के अंदर आपके पास यूनिट बीड्स होते हैं बार ऑफ टेंस होती हैं स्क्वायर ऑफ़ हंड्रेड्स होते हैं क्यूब ऑफ थाउजेंड्स होती हैं अब आपने बच्चों को ये समझाना है कि हाउ दे कैन मेक एनी क्वांटिटी अप टिल नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन अच्छा इसमें आप बच्चों को पेज पेज के ऊपर या कार्ड्स के ऊपर कोई भी क्वान्टिट्टी लिख के दे देते हैं लाइक ही हैज़ टू ब्रिंग टू यूनिट्स टू बार ऑफ टेंस थ्री स्क्वायर स्क्वायर्स ऑफ हंड्रेड वन क्यूब ऑफ थाउजेंड एक बच्चे को भी आप दे देते हैं दूसरे को भी आप कोई ना कोई यूनिट इस अमाउंट बना के दे देते हैं द चाइल्ड विल टेक हिज और हर ट्रे इन हैंड्स एंड दे विल गो टू द गोल्डन बीट मिटीरियल एंड दे विल पुट ऑल द क्वान्टिटी वट यू हैव टोल्ड दैम अगर आपने उनको लिख के दिया है कि टू यूनिट्स दे हैव टू ब्रिंग तो वो टू यूनिट्स लेके आएंगे हर बच्चा अपनी स्लिप के लिहाज से जो आपने स्लिप उनको दी हुई है जिसके ऊपर अमाउंट मेंशन है उस स्लिप के लिहाज से अपने गोल्डन बीड मटेरियल के अंदर अमाउंट रख के लेके आएगा ठीक है ग्रुप काउंटिंग गेम इसको कहते हैं अब न्यूमरेशन ऑफ द डेसिमल सिस्टम लार्ज नंबर कार्ड्स पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने बच्चों से गोल्डन बीड मटीरियल की प्रैक्टिस कराई है आपने लिख के दिया और बच्चे ने मटीरियल ले आए अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपने बच्चों को फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है कि जो भी वो ले के आए हैं उसको हम फिज़िकल कैसे उसको हम लिखेंगे कैसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे ठीक है आ, एक दफ़ा आपने लिख के दिया ना तो बच्चे वो नंबर वो क्वांटिटी लेके आ गए अब दूसरी दफ़ा आपने उसको कार्ड्स के साथ ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे लार्ज नंबर कार्ड्स ये वन का कार्ड है टेन का कार्ड है हंड्रेड का, का कार्ड है वन थाउजेंड का कार्ड है ये बेसिकली ऊपर वाली तस्वीर है जो बाय मिस्टेक इधर नीचे हुई हुई है आई डोंट नो कि क्यों इस तरह चीज़ें आगे पीछे हुई हुई हैं हो सकता है मेरे मोबाइल की अप्लीकेशन में थोड़ा सा मसला हो बहरहाल न्यूमरेशन ऑफ़ द डेसिमल सिस्टम विद लार्ज नंबर कार्ड्स न्यूमेशन जब भी हम कराते हैं न्यूमेशन का मतलब ये है कि जिस वक्त हम नंबर लिखना सिखाते हैं डेसिमल सिस्टम को तो वो लार्ज नंबर कार्ड्स के साथ कराते हैं कार्ड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं लार्ज नंबर कार्ड्स भी होते हैं और स्मॉल नंबर कार्ड्स भी होते हैं अच्छा लार्ज नंबर कार्ड्स में आपके पास जो हैं वो यूनिट्स आर ऑलवेज़ इन ग्रीन कलर टेंस आर ऑलवेज़ इन ब्लू कलर हंड्रेडस आर ऑलवेज हंड्रेड से ले कर नाइन हंड्रेड तक आपके पास रेड कलर में होंगे एंड यूनिट्स थाउजेंड्स जो यूनिट्स आपके पास जो थाउजेंड्स होंगे वो आपके पास ग्रीन कलर के होंगे यूनिट एंड थाउजेंड आपके पास ग्रीन कलर के होते हैं टेंस आर ब्लू हंड्रेड्स आर रेड ठीक है अब आगे हम इस पर चलते हैं कम्प्लीट लेट ऑफ द लार्ज नंबर कार्ड्स आपने बच्चों को प्रैक्टिस दे दी हाउ गोल्डन बीट मटीरियल विल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वांटिटी, देन आपने अब लार्ज नंबर कार्ड्स के साथ ये मैट के ऊपर आपको पढ़े नज़र आ रहे होंगे वन से लेके नाइन तक यूनिट्स हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी आपके पास टेंस हैं हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन हंड्रेड तक ये आपके पास रेड कलर के हंड्रेड्स हैं वन थाउजेंड टू से लेके आपके पास नाइन थाउजेंड तक आपके पास लार्ज नंबर कार्ड्स के ऊपर प्रिंटेड हैं ठीक है ग्रुप आइडेंटिफाइंग न्यूमरल्स इसमें अब आपकी मर्जी है कि आपने बच्चों को एक्सरसाइज कैसे लेके चलनी है ग्रुप लेआउट तो आपने बच्चों को करा लिया लार्ज नंबर कार्ड्स जो हैं वो आपने बच्चों को करा लिए ठीक है आगे अब क्या करना है आपने मेरा ख्याल है वीडियो बहुत लंबी